नमस्कार दोस्तों, वेलनेस का एक न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और आज मैं बात करूंगा बेसिकली एसबीआई जो इनके पास एसबीआई का डेबिट कार्ड है क्लासिक या मेस्ट्रो उनके लिए आई है बहुत ही बुरी खबर। और ये खबर उनको शायद ही बहुत ही लेट पता चल रही है या बहुत से लोगों को पता चल गया होगा। हालांकि यहाँ पे एसबीआई ने यहाँ पे जो लिमिट थी अपनी जो विड्रॉल लिमिट थी एटीएम की उसको घटा दिया है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं बात करने वाला हूँ कि आखिर एसबीआई ने ऐसा क्यों किया है, क्या रीज़न है और अब आपको क्या यहाँ पे इफेक्ट देखने को मिलेंगे। तो बिना देरी किए चलिए दोस्तों अपनी वेल्थ बढ़ाते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को रिमाइंड करना चाहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है, फर्स्ट टाइम हमारा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो जैसा कि मैंने आपसे बात की है कि यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे एसबीआई के डेबिट कार्ड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जिनके पास एसबीआई का डेबिट क्लासिक कार्ड है और मेस्ट्रो कार्ड है, तो यहाँ पे बेसिकली एसबीआई ने 2 दिन पहले एक अनाउंसमेंट किया था कि जहाँ पे कि अब जो करेंटली जो विड्रॉल लिमिट है एटीएम की वो 40,000 थी, अब उसको घटा दिया गया है, उसको 20,000 कर दिया है और ये 31 अक्टूबर से लागू हो जाएगी। बेसिकली ये फेस्टिवल सीजन में लागू हो रही है तो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी क्योंकि एसबीआई वन ऑफ द लीडिंग बैंक है इंडिया की जो कि गवर्नमेंट पीएस में आती है। तो बहुत लोगों का अकाउंट एसबीआई में है तो उन सभी लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। अब जब जानने की कोशिश करी हमने कि यहाँ पे एसबीआई ने ऐसा क्यों कहा है, तो एसबीआई ने यहाँ पे 2 वैलिड रीज़न यहाँ पे बोले हैं, जिनमें से पहला रीज़न ये है कि एसबीआई बोल रहा है कि यहाँ पे फेस्टिवल सीज़न की वजह से यहाँ पे ये जो विड्रॉल है इसको कम किया गया है, यानी लिमिट है उसको कम किया गया है, बिकॉज यहाँ पे लोग ज़्यादातर फेस्टिवल सीजन में बहुत ही ज़्यादा कैश का लेन देन करते हैं जिससे मार्केट में ब्लैक मनी ज़्यादा सर्कुलेट होता है। तो ब्लैक मनी सर्कुलेट होता है इसलिए ये इसको, बट इसका कोई ज़्यादा नहीं है, जो 20,000 निकाल सकता है वो बैंक में जाके भी निकाल सकता है। बट एसबीआई का ये कहना है कि ताकि लोग यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट में जाएं या फिर चेक और बैरियर के थ्रू अपना पेमेंट क्लियर करें। दूसरी चीज़ जो एसबीआई ने बोली है कि यहाँ पे ऑनलाइन फ्रॉड क्या हो रहे थे, बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे यहाँ पे एसबीआई कस्टमर्स के साथ, क्योंकि आप हर दिन सोचते देखते होंगे कि आपके पास एक फ़ोन ज़रूर आता होगा कि हम आपके एसबीआई से बोल रहे हैं और आपका एटीएम कार्ड ब्लॉक हो गया है, आप ये ओटीपी हमें बता दीजिए, हम आपका अनलॉक कर देंगे। इस टाइप के फ़ोन कॉल ज़रूर आपके पास आए होंगे या आपके आसपास पड़ोस में या फैमिली मेंबर्स में किसी ना किसी के पास जरूर रहेंगे, ये सारे फ्रॉड कॉल्स होते हैं। तो इसी को एसबीआई ने बोला है कि ये फ्रॉड ज़्यादा ना हो इसलिए ये हमने लिमिट यहाँ पे घटाई है। बट एसबीआई को ये चीज़ पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो ज़्यादातर जो फ्रॉड होते हैं वो पॉस मशीन से होते हैं, ना कि एटीएम से, कि वहाँ पे। तो अल्टीमेटली पॉस में भी यहाँ पे उनको रिडक्शन करना चाहिए था कि आप एक दिन में इतने से ज़्यादा शॉपिंग नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली आप जो मास्टर कार्ड जो मेस्ट्रो कार्ड यूज़ करते हैं और क्लासिक कार्ड यूज़ करते हैं तो उन लोगों को ये चीज़ बिल्कुल दिमाग में रखनी चाहिए कि अगर फेस्टिवल सीजन में उनको पैसे की ज़्यादा ज़रूरत है तो पहले से ही उस चीज़ का अरेंजमेंट करके रखें, क्योंकि लिमिट आपकी एक दिन की हो जाएगी 20,000 31 अक्टूबर के बाद। तो यही इस वीडियो में इतना ही इंपॉर्टेंट था जो आपको बताना था। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।